नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बाराबंकी में पूर्व मंत्री और 6 बार से विधायक रहे समाजवादी पार्टी के नेता राजा राजीव कुमार सिंह का सोमवार सुबह लखनऊ में निधन हो गया। 2 दिन पहले उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। यहाँ इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली है। कहा जा रहा है कि बेटे का टिकट कटने के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। जानकारी के मुताबिक एसपी नेता राजा राजीव कुमार सिंह अपने बेटे रितेश के लिए बाराबंकी के दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहे थे। परिजनों का कहना है कि एसपी ने राजा राजीव कुमार सिंह के बेटे रितेश का टिकट काट दिया था। शनिवार को टिकट कटने पर राजा राजीव कुमार को दिल का दौरा पड़ा। उन्हें मेदांता ले जाया गया, जहाँ सोमवार सुबह उनका निधन हो गया। राजा राजीव कुमार सिंह के निधन से उनके समर्थकों में शोक की लहर है। 65 साल के राजीव कुमार सिंह उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार और मुलायम सिंह यादव सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वो बाराबंकी के दरियाबाद से 6 बार विधायक रहे। राजीव कुमार सिंह ने बाराबंकी में सबसे ज्यादा बार विधायक रहने का रिकॉर्ड बनाया। 1985 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दरियाबाद का विधायक बनने के बाद वो 6 बार विधायक रहे और लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव जीतकर हैट्रिक भी लगाए। 1985 से 1989 तक निर्दलीय विधायक रहने के बाद 1989 से 1991 तक कांग्रेस से विधायक रहे। इसके बाद 1996 से 2002 तक बीजेपी से विधायक रहे। 2002 से 2007 तक फिर बीजेपी से। 2007 से 2012 तक वो एसपी से विधायक रहे और फिर 2012 से 2017 तक भी एसपी से ही विधायक रहे। लेकिन 2017 की मोदी लहर में वो बीजेपी के युवा प्रत्याशी सतीश चंद शर्मा से हार गए थे। इस बार वो अपने बेटे रितेश के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने दरियाबाद से अरविंद सिंह गोप को प्रत्याशी घोषित कर दिया। बेटे का टिकट कटने के बाद से ही वो सदमे में आए और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।